हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर तरुण और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो का टॉपिक है होम्योपैथी की R41 ड्रॉप के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि इसके रिजल्ट कैसे आते हैं। आप लोगों ने कुछ ने कमेंट्स किए हैं कि R41 ड्रॉप की डोज एंड प्राइस, बहुत सारी चीज़ें पूछी हैं। तो ये जनरल वीडियो है R41 के बारे में और सही जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी। तो R41 एक होम्योपैथी की मेडिसिन है और डॉक्टर रेगबेक की, जो कि जर्मनी की मेडिसिन है, इसको काफ़ी लोग यूज़ करते हैं और बहुत फेमस मेडिसिन है। जिनको सेक्सुअली प्रॉब्लम्स रहती है, नपुंसकता उनके अंदर आ रही है, तो वो लोग इन मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं, जैसे R41 ड्रॉप है। तो सिंपली ये एक पीने की मेडिसिन आती है, किस किस काम में आती है आप इसको जान लीजिए। ये आपकी जो स्ट्रेंथ है ये उसको ठीक करेगी, आपको अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, एंगर है, ये उसको भी कम करती है। क्योंकि होम्योपैथिक की जो मेडिसन्स होती हैं, कोई एक मेडिसिन बहुत सारे काम करती है, तो इसमें कोई ऐसी मेडिसिन ज़रूर होगी जो कि आपके एंगर को भी कम करेगी, जो आपको गुस्सा आता है उसको भी रिड्यूस करेगी। नेक्स्ट दोस्तों, इसके अंदर हेल्प इन कंट्रोलिंग द सेमिनल डिस्चार्ज इन मैन। सिंपली लैंग्वेज में हम इसको बोल सकते हैं कि टाइमिंग बढ़ाने में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो क्या क्या इसके यूजेस हैं वो मैंने आपको शॉर्ट में ही बता दी है। अर्ली डिस्चार्ज में खास करके इस्तेमाल होता है, और किसी को नाइटफॉल की प्रॉब्लम है उसमें भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवर एक्साइटमेंट में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। किसी को सेक्स करने से पहले घबराहट, बेचैनी होती है, ये उसके लिए भी, खास करके उसी कंडीशन के लिए बनाई गई है, क्योंकि R41 सेक्सुअल न्यूरोस्थेनिया ड्रॉप इसका नाम है। इसके साथ साथ दोस्तों, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है, आपकी डिज़ायर कम हो गई है और इनवॉल्यूंट्री सेमिनल डिस्चार्ज हो जाता है, मतलब नाइटफॉल की प्रॉब्लम है या धात की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये मल्टीपर्पज़ ड्रॉप है। इसके अंदर हम मेडिसन्स देखते हैं कि कौन कौन सी इन्होंने मेडिसन दी हैं। तो इसके अंदर जनरली आप देखेंगे तो एसिड फॉस, एग्नस और कोनियम, डामियाना एंड सीपिया, इस तरह की जो मेडिसन्स इन्होंने दी हुई हैं। जान लेते हैं जनरली दोस्तों इसकी डोज ये आपको किस तरीके से लेनी है। तो सिंपली आपने इसकी 15 बूंदें 2-3 चम्मच पानी में दिन में 3 बार इस्तेमाल करनी है। और आप इस मेडिसिन को खाने से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खाने के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके अगर कोई भी मेडिसिन नहीं चल रही तो आप इसको खाने से पहले ले लीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देगी। और अगर आप इसको स्टार्ट करेंगे अभी हाल फिलहाल में और आपके अंदर वीकनेस बहुत ज़्यादा है, तो आप इसको रैपिड तरीके से भी ले सकते हैं। मीन्स कि आप इसकी लगभग 15 बूंदें दिन में 6-7 बार भी ले सकते हैं, केवल 2 से 3 दिन। इसके बाद में इसकी जो रेगुलर डोज है लगभग 3 बार की, आपने वो इस्तेमाल करनी है। पानी जो इस्तेमाल करना है वो आपने 2-3 चम्मच पानी इस्तेमाल करना है और नॉर्मल पानी इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसके साथ आपकी कोई भी मेडिसिन चल रही, चाहे टाइटेनियम चल रही है या न्यूफोल्यूटियम चल रही है, आप ले सकते हैं। और इसके अंदर, क्योंकि न्यूफोल्यूटियम नहीं है, आप वो ले सकते हैं। इसके अंदर आपको जो एसिड फॉस है उसको नहीं लेना, डामियन है उसको नहीं लेना, मतलब जो मेडिसिन के अंदर ऑलरेडी हैं आपको वो मेडिसिन अलग से इस्तेमाल नहीं करनी है। काफ़ी सारे पेशेंट्स होते हैं कि इसके अंदर ऑलरेडी एसिड फॉस दी हुई है, फिर भी एसिड फॉस, मदर टिंचर वो अलग से इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको मिल जाएगी किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे, डॉक्टर के पास मिल जाएगी, काफ़ी फेमस मेडिसिन है। और ये आप लाएंगे, पीने की शीशी 22 ml की शीशी आपको मिलेगी, 250 रुपीज़ की, 250 रुपये की आपको मिल जाएगी। ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस मेडिसिन का कोई भी ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है और लगभग आप इसको 1 से 2 महीने इस्तेमाल कर सकते हैं। रिजल्ट की हम बात करते हैं तो 2 से 3 दिन में अच्छे रिजल्ट सामने आ जाते हैं, थोड़ी टाइमिंग बढ़ जाती है, थोड़ी अच्छी इरेक्शन आती है और थोड़ी डिजायर भी बढ़ जाती है। तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।